सो फाइनली टाइम आ गया कि अब मैं जाऊंगा पैदल। थैंक यू फॉर मामी। दलिया, रोटी, सब्जी, चाय हमने ऐसे लिए, पराठे हैं, अचार है, ये सैनिटाइजर है पर मैं यूज़ नहीं करूँगा। और हमें यहाँ जाना है और ये मैं हूँ। हे एवरीवन, वेलकम टू बिपिन ट्रेल ऑन एजील। सो यार, आज हम जाने वाले वतराज ट्रैक पे और अभी हम हैं जस्ट मसूरी पहुँचे ही हैं। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, सुने में आया अच्छा ट्रैक है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं मसूरी और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी आपको जस्ट मेरे पीछे है आपको दलाई हिल्स, बगल में मसूरी, 180 डिग्री जो स्नो पीक हैं उनका व्यू जस्ट पीछे बहुत ही प्यारा है। और विंटर के तो यार क्या कहने हैं, विंटर को तो भाई सफ़ेद चादर भिज जाती हैं पूरी की पूरी और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और मेरे जस्ट पीछे ये आपको दिख रहा होगा जॉर्ज एवरेस्ट। अगर आप मसूरी घूमने आते हो तो जॉर्ज एवरेस्ट हो गया, दलाई हिल्स हो गया, मसूरी हो गया, आपका बदराज हो गया, आप कवर कर सकते हो एक दो दिन में। कोई ज़्यादा बड़े ट्रैक नहीं है, छोटे छोटे से ट्रैक हैं। जॉर्ज एवरेस्ट भी लगभग लगभग 2 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर आपका ये हो गया जस्ट पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से ट्रैक अपना, लेट्स गो। ये रास्ता जो आपको दिख रहा है ये आपका जो जॉर्ज एवरेस्ट और मसूरी के लिए चौक जाता है जस्ट वहाँ से आते हुए, यहाँ से सीधे निकलेंगे हम भद्राज के लिए। ये रहा आपका जॉर्ज एवरेस्ट, यहाँ हमको जाना है। यह रास्ता तो अच्छा है अभी फ़िलहाल जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर एक शॉप है, आप यहाँ पे मैगी चाय वगैरह पी सकते हो आराम से। रास्ता थोड़ा पतला और ऊपर से गाड़ी आ रही है अभी, तो हम इसको थोड़ा करते हैं अभी किनारे। ये देखिए किस लोग जा रहे हैं अभी सर। तो ये रहा हमारा एंट्री पॉइंट। पीछे का रोड तो बड़ा बेकार है यार ये वाला, तभी हम यहाँ से आगे निकलेंगे और इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ की जो हिस्ट्री लिखी हुई पूरी बोर्ड पे। और ये है इसका सी लेवल से इसकी कितनी हाइट है, लैटिट्यूड 30 डिग्री 27 मिनट 31 सेकेंड, लॉन्गिट्यूड वगैरह सब लिखा हुआ, अल्टीट्यूड है इसका 2009 मीटर सी लेवल से। यार ये रोड बड़ी बेकार है, खैर है तो ठीक बट ढलान बहुत ज़्यादा है इस पर। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े बहुत अनट्रेंड हो या कॉन्फिडेंस नहीं आपको गाड़ी चलाने का, सो प्लीज़ इस रोड पर ड्राइव मत कीजिए यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ढलान है, बहुत ही ज़्यादा। मौसम मस्त है, नज़ारे बेहतरीन। यार जब बर्फ़ गिरती होगी कितना प्यारा व्यू आता होगा यार यहाँ का, नाइस। मंजिल के हम काफ़ी नज़दीक, ये रही हमारे सामने मंजिल दिख रही है, पहाड़ी दिख रही है सामने सामने बिल्कुल एकदम मस्त 90 डिग्री खड़ी। तो स्कूटी लेके ही जाऊंगा यार मैं, वहाँ पैदल नहीं चलना मेरे को आज तो बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं क्या स्कूटी चढ़ पाएगी तो ठीक, वरना हमें ही चढ़ना पड़ेगा। सी यहाँ से दिख रहा आपको, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ, ये वाला भद्राज जाने का रास्ता है यहाँ से पतला सा, तभी हम चलेंगे यहाँ से आगे, लेट्स गो। आधे रास्ते पहुंच गए यार, अभी पता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ट्रैक करके जाए ना जाए, आधे रास्ते में ऐसी स्कूटी से पहुंच गए बट खैर देखते हैं। बाकी अब व्यू देख सकते हो पीछे यार, बड़ा ही ऑसम व्यू है। और रही बात यहाँ की तो हमें यहाँ पीछे जाना है ऊपर जो दिख रहा है
टॉप एक चढ़ाई खड़ी सी है, तो अभी सोचते हैं कि पैदल जाएं या फिर गाड़ी से जाएं, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा और देखते हैं। बाकी बड़ी प्यारी सी हवा चल रही है अभी यहाँ, बड़ी प्यारी सी। चले फिर। व्यू है यहाँ का ऑसम। अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि हम पैक करके लेके आए थे घर से ही। अभी हम बनाएंगे चाय अंडे, देन करेंगे हम ब्रेकफास्ट और निकलेंगे यहाँ से ऊपर भद्रवाज के लिए। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, मामी ने बना के दिया है मेरे को। चाय हमने यहाँ बनाई, ये रोटियाँ हैं, सब्जियाँ हैं। तो अभी हम करेंगे यहाँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट या लंच क्या कहें, टाइम लंच का है पर है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लंच दोनों हो जाएगा साथ में। तो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट प्लस लंच, देन लेंगे हम 15 मिनट का रेस्ट, फिर निकलेंगे यहाँ से, पैदल निकलेंगे। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, खाना खाने दो अब मेरे को। सो फाइनली टाइम आ गया कि अब मैं जाऊँगा पैदल। रोड बहुत ख़राब है यार आगे की, तो कच्ची रोड पे से स्कूटी ले जाना से अच्छा है आप पैदल चलो आराम से, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वीडियो के लिए भी अच्छा है। फाइनली डिसाइड किया हमने पैदल जाएंगे यहाँ से, अब लगभग 3 किलोमीटर रह गया, तो यहाँ से 3 किलोमीटर थोड़ा हम ट्रैक करते हुए जाएंगे, क्योंकि जो नीचे वाला रास्ता तो पूरा सीमेंटेड बना हुआ था यार, तो उस पर ना इतना मज़ा नहीं आता चलने में। अभी जो रास्ता है ये ऐसा है, तो इस पर गाड़ी को दिक्कत तो आती है चलने, बट पैदल चलने में इसमें मज़ा आता है। कच्चे रास्ते पे पूरा जंगल का रास्ता है और व्यू है यहाँ के शानदार। बाकी ठंड तो है अभी थोड़ी, इतनी ज़्यादा भी नहीं है बट हाँ थोड़ी बहुत है। और यार मेरे को इस रास्ते की एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ सारे बांज और बुरांस के पेड़ हैं, तो जहाँ बांज और बुरांस का पेड़ होगा डेफिनेटली वो एरिया ठंडा होगा ही होगा। चलिए फिर हम चलते हैं आगे, अभी बात करते रहेंगे अभी चीज में। सर रास्ता तो बड़ा प्यारा है यार, अभी ऐसे ही कच्चा रास्ता है पूरा। ठीक है, अगर बीच में कुछ अच्छा व्यू मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, अदरवाइज सीधे मिलते हैं किधर, भद्रवाज टेम्पल में मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, जाइएगा मत। वो रही अपनी मंजिल पहाड़ी के ऊपर, बस थोड़ा सा रह गया यहाँ से 1 किलोमीटर। रास्ता प्यारा है, यहाँ पे भी आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो, चाय नाश्ता सब मिलेगा आपको रास्ते में। अच्छा ट्रैक है यार, आप लोग एक बारी कभी टाइम लगे तो एक दिन का निकाल के आइए इस पर, और स्पेशली अगर जब स्नोफॉल होता है तो आओ यार, बहुत प्यारा ट्रैक है। ठीक है, मंदिर के गेट के बाहर पहुंच चुके हैं अभी हम, बस ये है यहाँ जूते उतारने का, यहाँ शूज रिमूव करेंगे हम, देन यहाँ से फिर मंदिर के लिए निकलेंगे ऊपर, क्योंकि मंदिर में जाना है मेरे भाई, तो जूता तो निकालना पड़ेगा। इस मंदिर का 360 व्यू, ये मंदिर का बैक साइड है जो ग्राउंड है।
तो फाइनली हम भद्रराज मंदिर में पहुंच गए हैं। मैं गर्भगृह के अंदर कैमरा नहीं ले जाऊंगा क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता। आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो तो फाइनली हम पहुंच गए हैं भद्रराज टेंपल। ये आपको मेरे जस्ट पीछे दिख रहा होगा, ये भद्रराज टेंपल है। इसके बैक साइड अभी हम आए हैं, आगे कुछ प्रोग्राम चल रहा था वहाँ, अभी शोर काफ़ी तेज़ हो रहा तो वॉइस आ नहीं पाएगी उसमें। तो बाकी आप देख सकते हैं यार बहुत ही प्यारी जगह है, और बैक साइड का देहरादून का कसम से जो व्यू आ रहा है ना बहुत ही प्यारा है। बट एक दिक्कत है यार, पॉल्यूशन के कारण अभी वो व्यू पूरा दिख नहीं पा रहा। शायद मे भी बरसात या विंटर में अगर जब बारिश गिरे उसके बाद ये व्यू थोड़ा साफ हो जाए। देखिए ये वाला, देखिए यहाँ से पूरा ये देहरादून वाला जो व्यू आ रहा, देहरादून का जो व्यू आ रहा पूरा दिख सकता है वो। बट अभी पॉल्यूशन के कारण ये व्यू दिख नहीं रहा है यहाँ का। यहाँ से ये पूरा यहाँ तक जो है पूरा देहरादून है यार। अनफॉर्चुनेटली मौसम बहुत ही बेकार, और ये पत्थर अंग्रेजों के टाइम से यहीं पे है। चलिए करते हैं अब अपने यहाँ सफ़र को ख़त्म, ब्लॉग को एंड। बट लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आपको टाइम मिले तो एक बार यहाँ आना जरूर यार, बहुत प्यारी जगह।